मेरा नाम जूली चपरा की रहने वाली। 5 तक पढ़े थे पर हमारे मम्मी पापा की वो घर में लग गई थी, इसलिए मम्मी ने कही अब मत जाओ पढ़ने के लिए, कही घर का काम भी करना है, अब हम कैसे करें, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ी। लेकिन पढ़ना तो चाहती, हमारे भी बहुत मन में सपने थे पर हम पूरी नहीं कर पा रहे। जब से हमारी मम्मी हमें जिस समूह में जाती थी, मीटिंग में भी जाती थी, बैठक में, तो हम लोग कहते थे कि हमें भी जाना, मम्मी सुबह कहती हैं नहीं तुम्हें यहीं रहो, पापा या कोई भी भाई भी गुस्सा होते कहते नहीं यहाँ काम करने खाना माना दे, हमें कहीं तुम चले जाओ। फिर हम भी सोचा कि हम भी जुड़ेंगे, तो ही मम्मी हमने कहा ठीक है तुम भी जुड़ जाओ, तो इसलिए हमने भी अपनी एक समूह बनाई। जो हमारी मम्मी हमें वैसे कहीं नहीं जाने देती पहले भी, पर अब तो जैसे बैठक लगी होती तो चली जाती थी कहीं भी। पहले सखियों में भी नहीं बैठ सकते, इन लोगों में भी नहीं बैठ सकते थे पहले भी, नहीं से झुक भी सकते ना पास कर भी सकते, नहीं कर ही जाते थे तो ये कहती अरे दूर दूर रहे। तो ये लोग हमसे बहुत छूट करते थे नहीं पहले, लेकिन अब नहीं करते, अब साथ में रहते हैं, साथ ही में खेलते थे। हम लोग हमारे गांव के और हमारे मम्मी पापा सब लोग उनसे छुआछूत ज़्यादा करते थे, मतलब भेदभाव ऊंच नीच का जाति पाति का ये सब भेदभाव था हम सब लोगों में। उन लोगों के पास नहीं बैठते थे, बात नहीं करते थे, बात करते तो दूर रहो हमारे पास मत आना छूना मत, ये सब होता था। लेकिन जब से हम लोग समूह में जुड़े तो सब लोग साथ में बैठे, सब बहनें सब बात हुई और साथ साथ रहने लगे, यहाँ तक कि उनके हाथ का हम लोग खाने भी लगे। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएँ हुई, हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आति कुछ नहीं है, इंसान सब एक है, वो तो सब भगवान ने तो इंसान सबको वही बनाया है, ये जाति आती तो यहाँ पर आकर बनी। पहले की जुली नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में उकड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी। लेकिन अब हम सबसे भी बोल सकते हैं। आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ABCD। एक क्या है? A। एक क्या है? B। A। C। मेरा नाम कविता है, मेरे गांव का नाम अमरा है, मेरे समूह का नाम सफलता या स्वयं सहायता समूह, मैं उसमें की कोषाध्यक्ष। हमारे गांव में कितने बच्चे स्कूल ले जाते थे, तो हमने सोचा कि हम अपना एक स्वयं स्कूल खोलें और उन लोगों को पढ़ाएं। और कई महिलाएं जिसकी दस्तखत अपना नहीं करती थी, अंगूठा लगाती थी, तो हमने सोचा कि हम उनको भी उनका नाम लिखना, उनके पति का नाम लिखना, उनके बच्चों का नाम लिखना, हम सब उनको लिखकर बताएं। बचपन तो बहुत गरीबी में गुजरा, इसलिए हम लोग ने पढ़ नहीं पाया था। अगर हमारे माँ बाप भी अमीर होते तो हम लोग भी स्कूल जाते और हम लोग भी हर एक बच्चे की तरह पढ़ते लिखते और हम लोग भी आगे बढ़ते। हमारे गांव में एक तो युवा समूह चला और आए तो देखे कि वो बच्ची ने नाम लिखना सबको सिखा रही थी, किताब पढ़ने के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे रही थी, तो इसीलिए मैंने भी आया और उसमें भाग लिया। और हमने इस अथवा पर पहुँची कि आज मैंने नाम लिख रहा हूँ, अपना भी अपने पति का भी, और मैं बैंक तक भी जा रही हूँ। नहीं तो मैं बैंक तक जाने के लिए मैं बहुत डरती थी, हमको नाम नहीं लिखना आता था, अंगूठा लगा रही थी। जब हम स्कूल से आते हैं, जब हम उन लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम जो हम सीखते हैं हम उनको सिखाते हैं। सोचते हैं कि जैसे कि हम ये स्कूल खोले, ऐसे हर जगह ऐसा स्कूल अगर खुल जाए तो कोई बहनें अपना अंगूठा नहीं लगाएंगी।